आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। मैं आज लेकर हाजिर हूँ मौलाना मजहरुल हक पारसी यूनिवर्सिटी MMSU HTU जो कि पटना में अवस्थित है, उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो BEd पार्ट टू का जो आज का पेपर था, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, आप देख पा रहे होंगे उसी का हम आज क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, और इसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर ऑन वर्ड्स, जैसा कि सब में रहता है कि परीक्षार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। और इसमें जो है एक एक प्रश्न का चयन करते हुए 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ये 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। इसमें भी टोटल 3 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है। मतलब एक यूनिट में 2 क्वेश्चंस हैं और एक यूनिट से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चंस लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का बात करें तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब मेजर चैलेंज। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के से आप क्या समझते हैं और इसके क्या क्या मेजर चैलेंज हैं। फिर हम लोग बात करें तो इसी का हिंदी में भी है, आप बायलिंगुअल है जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आपको हिंदी में एग्जाम्स का आंसर लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं। इसका हिंदी दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या चैलेंज है, चुनौती है, इसके बारे में उत्तर लिखना था। यूनिट 1 से ही दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाई इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, हाउ कैन एन इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स बी क्रिएटेड इन द स्कूल बुक्स प्लान। यानी कि समावेशी परिवेश से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में भौतिक और संवेगिक बाधा रहित वातावरण कैसे निर्मित किया जा सकता है, इसका व्याख्या करना था। ये था यूनिट 1 का क्वेश्चंस। फिर वैसे ही यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चंस है, सामने देख पा रहे होंगे, और इन दोनों क्वेश्चनों को जरा हम इनलार्ज करके दिखाते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज SWDN मीन, यानी कि SWDN का क्या अर्थ है, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स एंड चैलेंजेज ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रमुख विशेषता और चुनौती की व्याख्या करना। और यूनिट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट 2 का ये दूसरा क्वेश्चन है, यूनिट 2 का ये पहला यानी कि 3rd क्वेश्चन, और फिर 4, व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव स्कूल, राइट द फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी विद्यालय से क्या तात्पर्य है, क्या है, इसके बारे में लिखना था। समावेशी विद्यालय की आधारभूत संरचनाओं की विशेषताओं को भी बताना था। तो ये यूनिट 2 के क्वेश्चंस थे। फिर आगे आते हैं यूनिट 3 के क्वेश्चंस। यूनिट 3 के क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हो गए, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन। तो यूनिट यहाँ पे हम लोगों का अभी 3rd चल रहा है और 3rd का ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 3rd यूनिट्स में है। 5 नंबर को कह रहा है, व्हाट इज मीन्ट बाई इवेलुएशन, मूल्यांकन से क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन इन एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी विद्यालय में सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। और लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का ये लास्ट क्वेश्चन था जो यूनिट 3 के 6 नंबर में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ मेजरिंग एकेडमिक अचीवमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में शैक्षिक उपलब्धि को मापने के तरीके के उदाहरण के साथ समझाना था, यानी कौन कौन से तरीके हैं। तो इस तरीके से MMHEPU से जो भी स्टूडेंट्स BEd कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा। मैं ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस सेकेंड ईयर के होंगे उनका मैं एनालिसिस दूंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।